गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है महाशिवरात्रि, तो मैं और ये जा रहे हैं मंदिर। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस ये कोट सेट है, इसके साथ की चुन्नी नहीं है, तो चुन्नी मैंने कोई दूसरी निकाल ली है। मैं मंदिर में तो चुन्नी चाहिए, तो बस ये और मैं मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। तो आके फिर नाश्ता वगैरह करेंगे। ये देखो गाइस, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये देखो इसमें सारी, ये देखो सब, ये मुझे जो बैग्स आए थे सारे, ये सब, ये देखो सूट मैंने सारे निकाल लिए, सब तैयारी, सब घर बिखरा पड़ा है। और दीवान की मैंने चद्दर निकाल दी, कि दीवान में से मैंने कई सामान निकालना था। तो बस अब शादी की बिल्कुल तैयारी है, कल मैंने शादी पे चले जाना है। जाती तो आज ही, पर आज महाशिवरात्रि करके मैं नहीं गई। गोलू का फ़ोन आया था, पायल का फ़ोन भी आया था कि भाई हम लोग मंदिर जाएंगे, तैयार हो रहे थे। तो बस मैं भी इनके साथ मंदिर जाके पहले शिव जी भोले की आराधना करके आते हैं। देखो गाइस, शिव जी भोले जी की बारात जा रही है। तो ये देखो पार्वती मैया तैयार हो गए हैं और भोले शंकर जी तो फोन पे लगे हुए हैं। चलो अच्छी बात है, बस बारात अभी निकलने वाली है। मगर एक रिक्वेस्ट कर लगे जी, अपना फोन पे ना जो लाइव कर देना प्रोग्राम। हाँ नहीं, यूट्यूब पे आएगा। अच्छा आएगा, कल आएगा यूट्यूब पे। टोटल ब्लॉग आएगा। किस नाम पे? फैमिली चैनल पे जी। फैमिली चैनल। हाँ फैमिली चैनल के नाम से आएगा, तो आप देखना कल। ठीक है जी। बस बारात निकलने वाली है, बस पार्वती मैया तैयार हो गई है, शिव जी बोले तैयार हो गए हैं, तो यहाँ पर इनकी बारात निकालेंगे मंदिर के आगे। बिल्कुल बग्घी बिल्कुल तैयार है गाइस। यहाँ पापा खा रहे हैं खाना, मैं इस साइड आके बैठी हुई, तो पापा बेचारे वहाँ बैठ गए। आ जाओ पापा, पीछे बैठ जाओ, पीठ लगा लो ना, आ जाओ। इसको देखो, पूछी को उठ गई, अभी अच्छा खासा सो रही थी। पूछो आ चले, नहाने करने चले, नहाने। अब तो टाइम हो गया आपका। पापा जैसे इसको मैं बोलती हूँ ना, बाथरूम चलते नहाने करने, भाग जाती है। याद है माजी के पीछे छुप जाती थी पहले? ये माजी कमर, माजी का है, माजी याद है आपको? माजी माजी कमर में जाती है ना अभी भी। माजी का देखो पूछ ला रही हूँ। जब कन्नू को डांट पड़ती थी पापा से, तेरे को डांट पड़ती थी किसी सब माजी के पीछे छुप जाते थे, सब माजी के पीछे छुप जाते थे कि माजी हमें बचा लेगी। हाँ। है ना? फिर माजी ना 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 भूखी ना कर रहे बच्चे, ना ना कर ना ना नु डांट है, अब सारे डर रहे ने, फिर माजी के चक्कर में सारे बच जाते। बस मैं चीना के साथ जा रही हूँ कलर करवाने को, कल मैंने जाना है गोलू के घर। तो काफ़ी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, बस अटैची तैयार करनी है, एक बैग तैयार करना है। घर से कोई भी नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहे, कंडू भी नहीं जा रहा, चीना भी नहीं जा रही, सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ मैं, चीना हो गई है तैयार और चीना जा रही है। देखो चीना ने क्रॉक्स लिए हैं गाइस, देखो ये वाइट कलर के, एक लिया वाइट कलर के और दूसरे सी ग्रीन कलर के लिए है। देखो सुंदर दिखा गए, हाँ सुंदर लग रहे हैं क्रॉक्स लिए हैं ये। ललता तेरे नाम की बुक आई है? हाँ मालूम है, साईं बाबा के मंदिर से आई है। तेरे नाम लिखा हुआ है? हाँ मालूम है मुझे। ये देखो श्री साई लीला। हाँ तो ये तो हमें आती है, हर साल तो आती है, 6 महीने में एक बार आती है। हाँ तो वहाँ के हम मेंबर नहीं बने हुए, साईं बाबा के वहाँ तो मेंबर बने थे ना। हमने जब तक हम हैं तब तक ही आएगी, आती रहेगी। हाँ हमेशा लाइफ टाइम के लिए हमने वहाँ पर करा हुआ है ना, पूरा दरबार दिखाया है, पूरा दरबार है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो बस मैं अब जा रही हूँ, मैं कलर करवाने के लिए चीना के साथ है। ठीक है अभी करवा के आ रही हूँ। ओ मेरी पुच्चू, तेरी वो हड्डी पड़ी है, खा नहीं रही, बिस्किट पड़ा है, ये क्यों नहीं खा रही है? ललता जी, ललता जी, ललता जी, अच्छा आपका टाइम होने वाला है, 10 बजने वाले हैं, प्रोग्राम आने वाला है, आपका प्रोग्राम आने वाला है, चलो चेंज करो, आपका प्रोग्राम आएगा। तो जी जी क्यों बोल रहे हो?
सबको पता आप ललता बोलते हो? नहीं नहीं मतलब मैं जा रही हूँ गोलू के घर तो बोल रहे हो? जी बात तो समझती है ना, मैं वो क्या खाना है। अच्छा मतलब कोई फरमाइश है, है? हलवे शलवे खाने हैं क्या? नहीं शक्कर की रोटी खानी है। ये कोई बात है? शक्कर तो पड़ी हुई है। शक्कर में घी डाल के? हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, उल्टा ये तो आसान काम है। शक्कर में घी डाल के दो परोठे बना के वो खाऊंगा। कोई बात नहीं, जैसे खाओगे वैसे बन जाएगा। बढ़िया सा। तो शक्कर में करना क्या है? घी गर्म करना है, उसमें शक्कर डालनी है। देखो गैस पे रख नहीं सकते, शक्कर सड़ जाएगी। सिर्फ घी तो गर्म करना है, ये तो सबसे आसान है। टमाटर प्याज का तड़का भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। आप चैनल चेंज करो, आपका प्रोग्राम आने वाला है। हाँ, और मैं कलर चेंज करवा के आई हूँ। देखा है प्रोग्राम को तो बाद में देखूंगी, पहले मेरा कलर देखो। चलो आप, हाँ आप देखो। टाइम नहीं था कलर ब्राउन है, कलर शादी जब हुई थी मेरा ब्राउन ही था। हाँ तो ब्राउन था। हाँ कलर करा के काले हो गए थे। आज मैंने दोबारा सारा कलर चेंज करवा के मैंने मनदीप की शादी पे चेंज करवा। नेचुरल लुक भी आ गया है। अच्छा लग रहा है कलर। अच्छा नेचुरल लग रहा है। गाइस आपको कैसा लगा? नहीं वैसे तेरे पहले ही कलर ऐसे था, लेकिन व्हाइट बाल आने की वजह से तूने ब्लैक करना चालू करा। मैंने ब्लैक करना नहीं शुरू किया, पार्लर वाले ने जैसे कर दिया। लेकिन ये कलर अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। हाँ तो ऐसे कर लिया। अब उन्होंने कहा कि आपको हफ्ते बाद 10 दिन बाद आना, अपने बालों को मतलब ये रफन है तो बुटॉक्स कराना। अच्छा तो वो करवा देना। मैं कभी आज टाइम नहीं है, तो मैं गोलू के घर से जब शादी के बाद आ जाऊंगी 10 दिन बाद चली जाऊंगी। हाँ 10 दिन तो रुवा लगी जाएंगे। ये पैटिस कौन लाया? ये पैटिस को चीज लाई मेरे लिए गिरी पापा। तेरे लिए भी होगी, शुरू होगी दोनों के लिए होगी। क्यों होगी? ज्यादा है कनों के लेकर आई होती, खुद तो वहां खाई थी, बाकी ले आई होगी हमारे लिए, तीनों के लिए। मेरे को हाँ गर्म कर दे, थोड़ी देर में मैं खा लेता हूँ। हल्का सा गर्म करूंगी नहीं तो फिर वो। हाँ वो ज्यादा अंदर से ना फिर आलू उबल जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म खा ही नहीं जाते। खा लेते हैं फिर रोटी जब घंटे। हाँ रोटी में टाइम है, घंटा डेढ़ घंटा है अभी तो। ठीक है ना, अब चेंज करो अपना चैनल। चेंज कर ले अपना चैनल। मेरा चैनल है 112 स्टार प्लस। अनुपमा आने वाला है 10 बजे। अभी कितना टाइम हुआ है? 57 3 मिनट है अभी। चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट और एडजस्ट हो जाते हैं। कोई ऐड आई आई मंदिर में गए थे, जो पार्वती मैया बनी हुई थी बारात जा रही थी भोले शंकर की, तो वो तो मेरे को देख के पहचान गए थे। तो कह रहे हैं आप कृतिका मलिक की मोम हो, कहती मेरी जो लड़की है ना वो कृतिका के, जैद के, अयान के, तूबा के, पायल के, अरमान के, कहते सबके ब्लॉग नहीं छोड़ती। अच्छा हाँ मतलब लोग अब पहचान जाते हैं। जब आप वो डाल रहे थे क्या नाम है जल शिव जी भोले पे दूध कर रहे थे हम, तो तब भी वो लेडीज बोल रही थी, पीछे से आवाज आ रही थी कि आप कृतिका की मम्मी हो, मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बड़े सब्सक्राइबर मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, जो आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, चाहे कृतिका की मम्मी की करते हैं, चाहे अरमान की मम्मी, पायल की मम्मी, जिसकी वजह से भी आप करते हैं। अरे वो तो पार्वती की नानी की, अयान की, वो तो लड़की ही बोल रही थी जो मिली। तो थैंक यू सो मच जो आप लोग हमें इतना प्यार करते हो, क्योंकि हम तो उसको पहचानते ही कि उसे मेकअप किया हुआ है ना। हम तो अगर मेकअप नहीं भी किया होता तो तब भी यहाँ नहीं जाना, सही बात है, बात मेकअप की नहीं है। हाँ। वो तो हमें जानते हैं ना, वो जानते हैं। अच्छा लगता है कि जो यूट्यूब फैमिली हमें इतना प्यार करती है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो सब्सक्राइबर है अब 2.5 लाख भी हो गए हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी बस सिर्फ 500-700 वो रहते हैं, 2 लाख होने वाले, 2 लाख होने वाले हैं। चलो आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं। तो गाइज आप लोग हमें प्यार करते हो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। यूट्यूब पे तो 2.5 लाख से ऊपर हो गए, इंस्टाग्राम पे 2 लाख हो गए हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को तरुण बसरा 9 है, जो थोड़े बहुत कमी रह गई है उसको भी पूरा कर दो और मेरे पूरे 2 लाख कर दो। कोको ने अपनी रोटी खा ली है, मगर पूछी ने अपनी रोटी नहीं खाई, और कोको उसकी रोटी के ऊपर हाथ मार रही है, थोड़ी बहुत खा रही है। और कोको पूछी तुझे शर्म नहीं आती ना, है रोटी खा ले, चल चल रोटी खा, मैं तुझे खिलाती हूँ, मैं तुझे रोटी खिला रही हूँ। वो देखो उसकी इच्छा भी नहीं है, वो जबरदस्ती उधर रोटी में मुंह मारती है और फिर वापसी आ रही है। और इसको मैं ही रोटी खिलाऊंगी, है ना, तेरे को मैं ही रोटी खिलाऊंगी। गाइस देखो मेरा कितना खिलेड़ा मचा हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अभी मैंने कोई पैकिंग नहीं की, पता नहीं मैंने जाना तो कल है, अब क्या होगा मेरे साथ। देखो गाइस सारे के सारे मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं।
बस आज का ब्लॉग गाइज यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अच्छे अच्छे कमेंट करो। मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ, जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है तरुण बसरा 9। जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके वहाँ भी फॉलो कर लो, और फेसबुक पे भी हमारे ब्लॉग आते हैं फैमिली चैनल के नाम से, तो वहाँ भी आपने अगर मैं फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। कल मैं चंडीगढ़ चली जाऊँगी तो 2-4 दिन वहीं के ब्लॉग आएंगे गाइस। अब घर के नहीं आएंगे, अब चंडीगढ़ के ही आएंगे। बस मैं पैकिंग करनी है और सुबह सुबह फटाफट मैं कर लूँगी 2:30-3 बजे तो मैं निकल ही जाऊँगी किसी भी हालत में। बाय बाय गाइस।